गाइस गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:05 और मैं नाइट शिफ्ट है तो सो गया था आगे सुबह, तो करीब 8 बजे सोया और अभी थोड़ी देर पहले 1:30 उठ गया था। फिलहाल अभी बाहर है, फील्ड की तरफ जा रहे हैं। आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको कितनी तेज़ हवा चल रही है। फिलहाल इस फील्ड में पहुँच चुके हैं। तो ये जो मई जून वाला गर्मी होता है ना, उस तरफ बढ़ रहे हैं अभी। बस सुबह सुबह में जो ठंड है वो है, तो फील्ड में थोड़ी देर रहते हैं उसका निकल जाते हैं। और ये सुनसान स्ट्रीट, सो वापस रूम में आ चुके हैं। 2:15 हो रहा है। स्नान वगैरह करके ब्रेकफास्ट बनाते हैं। एक्चुअली ब्रेकफास्ट तो क्या, अब तो ब्रंच हो चुका है। लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ करना पड़ेगा। सो जी स्नान वगैरह कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट में मिल्क एंड ब्रेड है, सेक लिए हैं इसको। ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, थोड़ा सा धूप में निकलेंगे और वहीं चाय वगैरह भी बाहर में ही पीलेंगे। बाहर आ चुके हैं और चाय आ गया है अपना, तो मैं चाय पी चुका हूँ और मैं अभी बाहर ही हूँ। थोड़ा देर ही पार्क के पास रहेंगे, उसके बाद रूम पे निकलते हैं। तो रूम में आ चुके हैं वापस। टाइम हो रहा है 3:35। कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं एंड फिर देखते हैं आगे। फिलहाल अभी 5:35 हो रहा है, तो मैं ब्रेकफास्ट बना ही रहा था, बट उससे पहले मैं गाजर का हलवा बनाने लगा। तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस इसमें ड्राई नट्स डालना रह गया था, तो अब ये भी पड़ गया है। और अपना गाजर का हलवा रेडी हो चुका है, इसमें दूध वगैरह है तो खाने के लिए रेडी है। जी गर्मा गर्म गाजर का हलवा रेडी है खाने के लिए। तो आज के लंच में यही है, गाजर का हलवा। तो बाकी अभी बना रहे थे पराठा वगैरह, वो अब डिनर में खाएंगे। अभी शाम के 6:55 हो रहा है और मैं बाहर निकल के कुछ खाने की सोच रहा था एज ए स्नैक्स, क्योंकि थोड़ा बहुत भूख लग रहा है। लंच में मैं केवल हलवा खाया था, तो बट मैंने डिनर के लिए बना दिया था गोभी का पराठा था। मैं सोच रहा हूँ बाहर जाके खाने से अच्छा मैं इसको ही एज ए स्नैक्स यूज कर लेता हूँ, मतलब एज ए स्नैक्स खा लेता हूँ। तो चलते हैं खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जी ये है अपना गोभी का पराठा और साथ में है बटर है। इसे बेस्ट तो बाहर मिलने वाला नहीं है, तो मैं इसको खा लेता हूँ फिर बाहर निकलते हैं थोड़ी देर में। एंड गाइस अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निकल चुके हैं बाहर। एज यूजुअल सारी दुकानें ओपन है और अभी शाम के 7:05 हो रहा है। यहाँ लाइट लगने से काफ़ी सुविधा हो गया है, पहले यहाँ बहुत अंधेरा होता था, जब से ये टावर लाइट लगा है ना, टावर लाइट लगने के बाद यहाँ पे। बाकी आप जो देख रहे होंगे इधर उधर, ये सारे फास्ट फूड की दुकानें हैं, बट मेरे को खाना नहीं है, मैं तो अभी खा के आ गया हूँ। मैं बस चलता हूँ चाय की दुकान पे। फाइनली चाय आ गया अपना। चाय मैं पी चुका हूँ और काफ़ी दिन हो चुके हैं सिटी सेंटर नहीं गए, तो थोड़ा उधर ही सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। सिटी सेंटर में बहुत सारी ये जो फास्ट फूड की दुकानें हैं ना, बहुत सारी हैं, जैसे कि स्टार्ट हो चुका है इधर समोसा चाट वगैरह का है। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में कपड़े वगैरह की दुकानें हैं सब, और इधर एक बुक वाली दुकान है, कंपटीशन वगैरह की बुक्स यहाँ पे मिलती हैं। बाकी इधर सारे क्लोथ्स वगैरह हैं, जो ठंडियों के कपड़े जो होते हैं ना, सब इधर मिल जाएंगे। बाकी नॉर्मल क्लोथ्स भी मिलते हैं। और इधर सारे अपने आइसक्रीम फास्ट फूड की दुकान है, आइसक्रीम वगैरह की। तो हमेशा इधर छोटा सा मेला टाइप का हमेशा लगा रहता है। बाकी आइसक्रीम की दुकान के अलावा रोल वगैरह की भी सारी दुकान है। एक्चुअली इधर आपको दिख रहा होगा, सो इधर भेलपुरी बटाटा पूरी एंड आइसक्रीम सेल वगैरह है। बाकी मोबाइल की बहुत ही अच्छी शॉप है यहाँ पे, इधर एक है और रेस्टोरेंट वगैरह है, कप और टेक्सटाइल शोरूम दिख ही रहा होगा आपको। बाकी गिफ्ट आइटम के जो दुकान है सब इधर मिल जाएगा, गिफ्ट शॉप्स और खिलौने वगैरह के लिए भी मिल जाएगा इधर। दरी वगैरह भी मिल जाएगा, जो पैर वर पोछने के लिए होता है ना, बैग्स हैं। एंड अरे अंदर आ चुके हैं LIC मोड़ की तरफ, इधर
इधर भी मोबाइल की शॉप्स वगैरह हैं। बाकी अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो अंदर में ये सब आपको इस तरह की दुकानें मिल जाएंगी, खिलौने वगैरह की, टेडी बियर वगैरह की। तो इधर सूट्स वगैरह भी मिल जाएगा आपको। बाकी हर जगह कपड़े की तो दुकान है ही, गिफ्ट वगैरह तो आपको बता ही दिया पहले से ही, गिफ्ट वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जैसे बड़े शॉप है फास्ट ट्रैक और टाइटन वगैरह भी सिटी सेंटर में ही मिल जाएगा। शूज वगैरह लेने हैं तो भी मिल जाएगा, सैंडल्स। ये शॉप मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, प्लास्टिक के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, बर्तन मतलब ये यूज मग वगैरह, डब्बे और जो भी सामान रखने के लिए होते हैं, ये सब भी यहीं सिटी सेंटर में मिल जाएगा। ब्रश वगैरह भी है, बहुत सारे हैं आइटम आपको यहाँ से देख सिटी सेंटर में आके ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट भी है, दिख रहा होगा निरौला, और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं आसपास। तो आपको यहाँ अगर साड़ी वगैरह लेनी है, काफ़ी अच्छा शॉप है साड़ी संगम, बगल में ही इसके ये मिल जाएगा आपको बेड वगैरह। और एक कॉर्नर पे स्पोर्ट्स का भी शॉप है जो कि एकदम LIC मोड़ के पास है, कॉर्नर पे किरण स्टोर्स है जो कि स्टेशनरी का शॉप है। मतलब ये सिटी सेंटर बोकारो में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ आके एक ही बार में ले सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो मैं काफ़ी इधर से गुजरता हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा आपको दिखा देते हैं इस ब्लॉग में सिटी सेंटर में क्या क्या अवेलेबल है। तो सिटी सेंटर है बोकारो का तो सब कुछ अवेलेबल ही होगा, तो अगर आपको कुछ लेना है कभी इधर से गुजरिएगा तो आप देख सकते हैं। और रात के टाइमिंग में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि लाइटिंग रहती है ना, सब कुछ चमकता रहता है, मतलब समझ सकते हैं। थोड़ा निकल लो आगे, इधर केक वगैरह का भी शॉप है, देखो हम मिठाइयाँ स्वीट्स निरौला रेस्टोरेंट के पास है और यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी बन रहा है। कैसे देते हैं भैया जलेबी? और भी बहुत सारे शॉप हैं, लेदर वर्ल्ड है, सफारी है, अभी सेल लगा हुआ है, 65% ऑफ मिल रहा है। ये जो इस तरह के बैग्स होते हैं उन पर तो ले सकते हैं, आके सिटी सेंटर में ही है कुछ इस तरह से ये बैग्स हैं। अगर आपको चश्मे वगैरह भी लेने हैं तो बेटर विजन करके है यहाँ पे शॉप, यहाँ पे हर तरह के मिल जाएंगे। बेटर विजन खूबसूरत की शॉप है, कपड़े वगैरह की ये भी मिल जाएगा यहाँ पे, तरह की शॉप तो मिल ही जाएगी, रेडीज वाली दुकान बोलते हैं जिसको। अगर इससे शॉपिंग करनी है, ये बेल्ट चश्मा साइड में आपको मिल जाएगा, बेल्ट चश्मे वगैरह का। तो बाटा का शोरूम भी मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ रेडीचिप वगैरह का भी शॉप है यहीं पे। नमकीन और अचार लेना है तो भी आप ले सकते हैं यहीं पे, एक दो दुकान नहीं है, बहुत सारी खाजा की दुकानें हैं, खाजा भंडार जिसको बोलते हैं, अचार वगैरह की बहुत सारी दुकानें। सिटी सेंटर से बाहर निकलेंगे से सब्जी मार्केट आ जाएगा जहाँ से अक्सर मैं सब्जी वगैरह ले ही लेता हूँ, यही है सब्जी मार्केट। ये आगे फल की दुकान है और पीछे इसके सब्जी की दुकान है। तो आ चुके हैं अभी इधर सब्जी मार्केट में, मार्केट में ही है कृष्ण जी का मंदिर। तो गाइस होप आपको थोड़ा बहुत ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो इधर ही मिल जाएगा आपको चिकन चिल्ली वगैरह। एंड गाइस ये सब शॉप देख रहे हैं भी सब सिटी सेंटर में ही है, ज्वेलर से लेके हेयर सैलून भी है अच्छा खासा। इधर है जिमनेशन जिम। एंड गाइस अगर चाट के शौकीन है तो त्रिपाठी चाट में आके खा सकते हैं, बहुत ही शानदार चाट मिलता है यहाँ पे त्रिपाठी चाट में। और अगर आप मोमोज वगैरह खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके खा सकते हैं, मोमो मैजिक कैफे। अगर आप फर्नीचर लेना चाहते हैं तो नटखट फर्नीचर आप मिल जाएगा यहाँ पे। केक वगैरह के लिए शुगर एंड आइस में जा सकते हैं। रॉयल दरबार में आप एग रोल एंड चिकन रोल खा सकते हैं, काफ़ी फेमस है रोल। साथ ही साथ यहाँ पे यमहा का शोरूम है, बाइक वगैरह अगर आपको यमहा का लेना है तो यहाँ पे सिटी सेंटर में है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यमहा का श्याम यमहा करके है।
गाइज इस तरह के कार्ट लगे रहेंगे, अगर आपको मोमोज वगैरह खाने हैं तो इस तरह के आपको गाड़ी मिल जाएगी। हंगरी दी गड्डी कर गया है, साथ में अगर आपको चाय वगैरह पीना है तंदूरी चाय तो भी मिल जाएगा आपको। चलिए चाय काटता ही है, हर जगह सिर्फ तंदूरी चाय वगैरह ही मिलता है। इधर कुछ शॉप्स हैं पाली प्लाजा के अंदर, ये भी सिटी सेंटर के अंदर में ही है, इस तो मोबाइल शॉप वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस ये था सिटी सेंटर का छोटा सा टूर, होप आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। सो गाइस अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। गाइस अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अगर पॉसिबल होगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को जानकारी होगा उसके बारे में। तो फिलहाल अब रूम पे चलते हैं, 7:50 हो चुका है। सो गाइस रूम पे वापस आ चुके हैं। सो अभी टाइम हो रहा है 8:10। सो अब बाहर निकलने का कोई प्लान है नहीं आज, तो बस अपना डिनर वगैरह फिनिश करना है, तो मैं डिनर में वही पराठा बना के रखा हूँ तो उसी को खाना है। सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही है, होप आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। सो अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।